और इसी बीच खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह की 400 नामांकन भरवाने की अपील पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह हार मान चुके हैं, ऐसा कहना सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। अब हार का बहाना ढूंढ रहे हैं दिग्विजय सिंह। उन नेताओं की तरफ बढ़ते हैं जो आपके समकालीन रहे, खास तौर पे हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद में दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव मैदान में हैं। एक बहुत लंबा अरसा था जब उन्होंने चुनावी राजनीति से दूर होकर चुनाव लड़वाने की बात वो करते थे, लेकिन इस बार वो राजगढ़ से चुनाव मैदान में है और उनके बयानों का सिलसिला भी उसी फहरिस्त में शामिल है। और खास तौर पर अभी एक नई बात वो कर रहे हैं, 400 नामांकन जो है वो भर्ती नामांकन दर्ज करवा के वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वो कोशिश की बात करते हैं। दिग्विजय जी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको पता है कि बुरी तरह हार रहे हैं, तो अभी से ईवीएम पे दोष मढ़ दो कि गड़बड़ हो गई इसलिए हार गया, इसलिए वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। उनको पता है कि वो जहां जाते हैं कांग्रेस के वोट और कट जाते हैं, तो जो बाद में होना है वो पहले ही उनको पता है, तो उसकी भूमिका बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान।